आगे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमसीटीएस ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था, फ्रैक्शनल और फ्रैक्शन, ठीक है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब आज देखिए, आप शेयर द फिगर्स अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन, यानी कि यहाँ पर जो फ्रैक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर शेयर करना है। 7/12, तो ये पूरे 12 है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में से हमें 7 शेडेड करना है। तो देखिए आप ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 शेड करने, अच्छे से कलर भरना। आप अभी लाए थे नोटबुक कलेक्शन के लिए, तो ऐसे जैसे है ये ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये गलत है ना। कलर आप अच्छे से पूरे में करेंगे, पूरे फुल सर्कल में कलर करेंगे। सेकेंड है आपका पॉइंट 3/4, तो 1, 2, 3, 4, ये पूरे 4 है, इसमें से हमें 3 शेडेड करना है, ये इस तरह से, ठीक है, और 1 छोड़ देना। अब यहाँ पे देखिए 4/10 है, तो ये पूरे स्टार है 10 और इसमें से 4 की शेडेड करना है, तो ये 1, 2, 3 और 4 और ये 10 को छोड़ देना है। फोर्थ में देखिए 4/6 है, लेकिन हमें यहाँ पे लाइनें कुछ ज्यादा दिख रही है, देखिए कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितनी है 12। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कम दे रखा है लेकिन लाइनें ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या करा, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि एक टेबल वन टेबल से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, देखिए 6 है तो ये 12 होगा और ये 8 होगा, यानी कि 2 के टेबल से 2 4 8, 2 6 12, तो इसको कम करके यहाँ पे लिख दिया 4/6, ठीक है, वैसे ही है इसका 8/12, इसको 4/6 करा। अब हमें तो 4/6, तो हमें क्या करना है, 8 पे शेडेड करना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 पे शेडेड करना है, 12 को छोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 4/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ है 11/12, तो ये पूरी लाइनें 18 है, 11/18 सॉरी, ये पूरी लाइनें 18 है, इसमें हमें 11 के शेड करना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 11 को हमें शेडेड करना है, तो ये मैं आपको दे दूंगी। आप नोटबुक में अच्छे से शेडेड करना है और आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है 3/4, 7/12 और इसको सॉल्व करके लिखना है, ताकि मालूम चले कि 4/6 और यहाँ पे लाइन ज्यादा है, तो यानी कि इसका एक्चुअल आंसर